ये हमने ठेली वाले गैस कौन कौन से हैं बना के तैयार, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती हैं। कैसे बनाए हैं इनको, आपको उसके लिए मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो चलिए आपको बताते हैं हमने इसको कैसे बनाया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो बारिश के टाइम पे मिलने वाले भुट्टे की आज हम रेसिपी बनाएंगे। हमारे यहाँ पे तो आज भी बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो ये बारिश के टाइम पर ही मिलते हैं ये भुट्टे। जो भुट्टे में से हमने दानों को निकाल लिया है इस तरीके से, इसकी बहुत क्विक सी जो ठेले वालों पर मिलती है ना, वो वाली रेसिपी बना के हम तैयार करेंगे। बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। भुट्टों को हमने उस भुट्टे में से बीजों कॉर्न्स को निकाल लिया है, और अब हम क्या करेंगे, इनको बॉईल करेंगे। तो चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने फ्राई पैन रख दिया है, उसमें पानी डाल दिया है, उसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, थोड़ी सी इसमें ऐड करेंगे हम हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हम हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। पानी बॉईल होने लग जाएगा जैसे ही हम इसको कॉर्न्स को इसमें डाल देंगे। पानी हमारा बॉईल होने लग जाएगा जैसे ही हम इन कॉर्नों को इसमें डाल देंगे। हल्दी से थोड़ा कलर अच्छा आ जाएगा, नमक से तो जल्दी हो जाएंगे और अंदर तक नमक भी इसमें चला जाएगा। तो इनको हम डाल देंगे, 3 से 4 मिनट के लिए इनको हम अच्छे तरीके से बॉईल कर लेंगे, जब तक अच्छी तरीके से हमारा दाना पक न जाए। जब तक एक बार हम मक्के के दाने चेक करेंगे, क्योंकि 4 से 5 मिनट हो चुकी हैं, दाने हमारे ट्रांसफर हो चुके हैं और हो गए हैं, उनको हम निकाल लेंगे उनको। मक्के के दाने हमारे बॉईल हो चुके हैं, इनके हमने निकाल लिया है, बहुत अच्छी तरीके से बॉईल हो चुके हैं। इनको हमें 4 से 5 मिनट आराम से लग गई है, थोड़ा हल्दी नमक डाला, उस हल्दी से कितना अच्छा कलर आया है इसका। तो इसको रख देंगे हम साइड में। हमने लिया है हल्दी, ली है लाल मिर्च पाउडर, लिया है धनिया पाउडर, लिया है नमक, लिया है आमचूर पाउडर, लिया है अगर आपके पास चाट मसाला वो भी ले सकते हो, थोड़े से हरे धनिया लिए। चलते हैं अब गैस की तरफ। गैस पर हमने फ्राई पैन रख दिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया हमने, थोड़ा सा अगर आपके पास बटर हो तो थोड़ा बटर भी डाल सकते हो, तो उसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। ऑयल जैसे ही हमारा गर्म हो जाएगा थोड़ा, उसके बाद हम क्या करेंगे, मक्के के जो हमने दाने लिए ना उनको दानों को इसमें ऐड कर दिया, जो हमने बॉईल करके रखे हैं ना उनको, इनको हम थोड़ा चलाएंगे। अब इसमें ऊपर से हम ऐड कर देंगे जो मसाले लिए थे वो, मसालों के साथ इनको फ्राई कर लेंगे, बहुत अच्छा कलर आएगा। इस तरीके से हम इनको फ्राई करेंगे। अब थोड़ी सी इसमें हम टमाटो केचप डाल देंगे, थोड़ी सी मामूली सी डालेंगे, इससे थोड़ा खट्टा मीठा स्वाद भी आ जाएगा। गैस को कम रखेंगे, और इसको हम चला देंगे, इनको हम चला देंगे। ठेले वाले जैसा लुक लेने के लिए आधा नींबू का रस डाल देंगे इसमें, आधा नींबू का रस, इससे थोड़ा खट्टापन आ जाएगा अच्छे तरीके से। अब इसको हम पकाएंगे, धीमी फ्लेम पर इसको हमें 1 मिनट तक पकाना है, 1 मिनट ढक के इसको हम धीमी फ्लेम पर पका लेंगे। ढक के इसको 1 मिनट पका लेंगे, एक बार हम चेक कर लेंगे। वाव, हमारी रेसिपी बनके तैयार है। मसा पॉपकॉर्न चाट, गैस को कर देंगे बंद और सर्व करने के लिए इनको हम निकालेंगे, गैस को बंद करेंगे।
चाट बन गई है तैयार, ठेले वाली जैसी। इसको हमने इसमें डाल लिया एक बाउल में। अब हम सर्व करने के लिए दो गिलास लेंगे। हमारे पास फिलहाल कौन वाले चाट वाले गिलास तो नहीं है, पर हम इन वालों में भर लेंगे इस तरीके से। वाओ, इस तरीके से डालेंगे इनको। तो ये सर्व करने के लिए हमने लगा दिया है। इसमें लगा देंगे चम्मच। वाव, कितना खाने देखने में कितना सुंदर लग रहा है। देखो मैं आपको पास से बता देती हूँ, बहुत टेस्टी बना, खाने में बहुत टेस्टी बनेगा ये। आप एक बार बनाकर जरूर देखना ठेले वालों। देखो आपको मैं एक पास से भी बता देती हूँ, पास से बता देती हूँ। देखो इस तरीके से, आपको समझ में आ रही होगी रेसिपी कितनी अच्छी गया है। तो आप इस तरीके से रेसिपी को बनाकर देख सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर करना, बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूले। प्लीज़ प्यारे प्यारे कमेंट भी किया।